वीडियो में हम देखेंगे PYQs जो कि रिलेटेड हैं हमारे CSR, UGC, NET, GATE और DBT से। PYQs सिर्फ मैं यहाँ पे क्वेश्चन और आंसर ही नहीं दे रही हूँ, उसकी एक्सप्लेनेशन भी मैं बहुत डिटेल में करने वाली हूँ ताकि आपके उस टॉपिक भी नियरली कवर हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। पहले क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चंस करने से पहले मैं आपको बता दूं, आप इस वीडियो को उस टाइम पे पॉज कर लीजिए, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लीजिए, उसके बाद आप मेरी एक्सप्लेनेशन पे जाइएगा ताकि आपको पता चले कि आप अपने तरफ से कितना सॉल्व कर पा रहे हो। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि 300 बेस पेयर हमारा DNA है, इसने लिया है 20 कंप्लीट टर्न्स। तो ये जो DNA मॉलिक्यूल है इसे हम पॉजिटिवली सुपर कॉइल कहेंगे या नेगेटिवली सुपर कॉइल कहेंगे या रिलैक्स या इट कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड। तो इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि अगर आप अपना बी डीएनए देखते हो, बी डीएनए का 10.5 बेस पेयर्स होता है पर टर्न। सो अब यहाँ पे हमें दिया गया है कि 300 बेस पेयर्स है, तो चलिए हम ये पता कर लेते हैं कि अगर ये बी डीएनए है तो 300 बेस पेयर्स पे इसके कंप्लीट टर्न्स कितने हैं। सो जब भी आपको पता करना होगा नंबर ऑफ टर्न्स, आप ले लोगे टोटल बेस पेयर्स, दैट इज 300 बेस पेयर, और बेस पेयर्स नंबर ऑफ बेस पेयर्स पर टर्न, विच इज 10.5 बेस पेयर पर टर्न, सो इसमें आपको ये जब आप डिवाइड करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 28.5 टर्न्स, 28.5 टर्न्स। अभी इन्होंने यहाँ पे दिया है वैल्यू, दैट इज 20 कंप्लीट टर्न्स यहाँ पे हम देख पा रहे हैं, इनकी वैल्यू है 20 कंप्लीट टर्न्स। और हमें क्या मिला, हमें जो एक्चुअल वैल्यू जो मिला है वो है 28.5, मींस एक डीएनए को 28.5 टर्न्स, इतने बेस पर 28.5 टर्न्स लेने होते हैं। पर क्या उसने 28.5 टर्न से कम लिया है या ज्यादा लिया? कम लिया है। सो दैट मींस अगर आप 20 को माइनस करो 28.5 से, आपको कितना मिल रहा है, 8.5, विच इज नेगेटिव और पॉजिटिव, नेगेटिव, नेगेटिव 8.5, मींस ये आपकी होगी नेगेटिव सुपर कॉइल। यहाँ पे चलिए थोड़ी और एक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। अगर ये आपकी 20 टर्न्स नहीं है, अब यहाँ पे आपका क्वेश्चन हो गया 40 टर्न्स, लेके चलिए 40 टर्न्स। तो 40 टर्न्स मतलब 40 माइनस 28.5, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपकी वैल्यू पॉजिटिव में आ रही है या नेगेटिव में आ रही है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है पता करना, अगर आपकी वैल्यू यहाँ पे पॉजिटिव में आती है तो आप क्या कंसिडर करोगे उसे, पॉजिटिव में जो भी वैल्यू होती है उसे हम कंसिडर करते हैं एज पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग। सो यहाँ पे मुझे मिल रहा है 11.5, इट्स पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग और ये हो जाएगा नेगेटिव सुपर कॉइलिंग। और अगर आपकी वैल्यू सेम आ रही है, दैट इज 28.5 जो कि इक्वल टू है 28.5, देन ये हो जाता है रिलैक्स। ठीक है, तो हमने अभी जस्ट सुपर कॉइलिंग के बारे में देखा कि सुपर कॉइलिंग में हम कैसे डिस्कस करते हैं कि कैसे जानते हैं कि वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है या रिलैक्स है। ठीक है, होप सो आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया हो। ये है हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम्स प्रेजेंट इन एथ्रोसाइट्स हेल्प बाईपास द फर्स्ट स्टेप। सो यहाँ पे है आपका फर्स्ट स्टेप ऑफ ATP फॉर्मेशन इन ग्लाइकोलाइसिस। सो इन सब में से कौन है, कौन सी एंजाइम है जो कि बाईपास करता है कौन सी स्टेप को, ATP फॉर्मेशन की स्टेप को। तो ये चीज पता करने से पहले चलो हम एक बार ग्लाइकोलाइसिस देख लेते हैं। सो ग्लाइकोलाइसिस में क्या हो रहा है, ग्लूकोज है, ग्लूकोज से आपकी प्रोड्यूस हो रही है पाइरूवेट, उसमें आपके दो ATPs यहाँ पे यूज हो रहे हैं और यहाँ आपका दो ATP प्रोड्यूस हो रहा है, डबल टिक करती हूँ प्रोडक्शन के लिए। तो अब यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ पूछा गया कि कौन सा ऐसा स्टेप है जहाँ पे कि बाईपास करता है ATP का प्रोडक्शन। सो आप यहाँ पूरा देखो, सब में ATP का प्रोडक्शन है, अब आती है आपकी बिस्फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज। सो ये जो बिस्फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज है ना, ये क्या कर रहा है, 1,3-बाईफॉस्फोग्लिसरेट को ये कन्वर्ट कर रहा है 3-फॉस्फोग्लिसरेट में। ठीक है, जब भी आपका यहाँ पे म्यूटेशन होता है, यहाँ पे फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज के बदले अगर बिस्फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज यूज हो जाता है तो क्या होती है,
ये विदाउट एडीपी प्रोडक्शन आपकी यहाँ पे क्रिएट होती है। देखो यहाँ पे नॉर्मल कंडीशन पे ये हो रहा था, राइट? ये हो गया नॉर्मल कंडीशन पे जहाँ पे कि फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज यूज हो रही है, तो आपका एटीपी प्रोड्यूस हो रहा है। पर यहाँ जब बिसफॉस्फोग्लिसरेट हो रही है तो ये 2-3 बिसफॉस्फोग्लाइसरेट प्रोड्यूस कर रहा है, एंड फिर वाटर यूज करके इनऑर्गेनिक फॉस्फोग्लिसरेट ये कर रहा है 3-फॉस्फोग्लिसरेट। सो आपकी यहाँ पे आंसर क्या होगी? यहाँ पे आपका आंसर होगा फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज। ओके, दिस इज वेरी इजी। सो आपको बस देखनी है कौन से स्टेप्स में फर्स्ट एटीपी प्रोड्यूस हो रहा है। सो जिस स्टेप में एटीपी प्रोड्यूस हो रही है वहां पे कौन सी म्यूटेशन हो सकती है। ये क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो सकता था, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे एटीपी प्रोडक्शन आपके 2 स्टेप्स में, ये हो गया स्टेप 1 और ये हो गया स्टेप 2। सो बिसफॉस्फोग्लिसरेट से फॉस्फोग्लिसरेट हो रही है, मतलब यहीं पे कोई म्यूटेशन हुआ होगा तभी जाकर आपका प्रोडक्शन नहीं हो रही है एटीपी की। बहुत इजी था। अब चलिए थर्ड क्वेश्चन करते हैं। सो हमारे यहाँ पे क्वेश्चन 3 में पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इज अ पैलिंड्रोम। मैं बेट कर रही हूँ अगर आप ये टेक्निक जानते हो तो आप बहुत इजीली आंसर कर सकते हो विद इन हाफ अ सेकेंड। आपको बहुत ज्यादा जरूरत भी नहीं है टाइम की, आपको बस एक चीज देखनी है इन चारों ऑप्शंस में कि कौन सी किसकी कॉम्प्लीमेंट है। ओके, तो चलिए पहले ऑप्शन से शुरू करते हैं, ए और सी। क्या ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है? नहीं। ए और जी, क्या ये दोनों कॉम्प्लीमेंट है? नहीं। सी और टी, नहीं कॉम्प्लीमेंट नहीं है। ए और टी, यस ए और टी हमारा कॉम्प्लीमेंट है, यानी कि ये हो गया ऑप्शन 4। सो जिन्हें नहीं पता है पैलिंड्रोम क्या होता है, पैलिंड्रोम मतलब मिरर इमेजेस होती हैं। जैसे कि मैं आपको बहुत इजी एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि हो गया ए टी जी सी टी ए, तो इसकी जो है मिरर इमेज आपकी क्रिएट होगी। यहाँ पे अगर आप रखोगे ऐसे, सोचो ये मिरर है, मिरर इमेज मतलब टी ए जी सी ए टी। सो ये होता है पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। ओके, ये 6 है, यही रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स में भी यूज होती है। तो यहाँ आप अगर एक बेसिक चीज देख रहे हो तो ये जो ए है उसका ऑपोजिट है ये टी, फिर ये ए। सो आप देख पा रहे हो। सो ये स्टेप, ये बेसिक अप स्टेप यूज करके इस क्वेश्चन को आप बहुत इजिली सॉल्व कर सकते हो। ओके, यहाँ तक तो बहुत ईजी था। चलिए क्वेश्चन 4 समझते हैं। क्वेश्चन 4 में लिखा है द न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस इन एमआरएनए इज दिस, अज्यूमिंग दैट राइबोसोम्स कुड ट्रांसलेट दिस एमआरएनए, हाउ मेनी एमिनो एसिड्स लॉन्ग वुड यू एक्सपेक्ट द रिजल्टिंग पॉलीपेप्टाइड चेन टू बी। एक बार ट्राई कर सकते हो। तो स्टार्ट कोडॉन हो जाता है आपका AUG और स्टॉप कोडॉन होती है आपकी UAG, UGA और UAA। हम देखते हैं अकॉर्डिंग टू दिस AUG के पास स्टार्ट होना चाहिए, ये UAA है, नहीं होगा, ये हो गया AUG, यानी कि यहां से शुरू हो रहा है 2, 3, ओके 4, 5, 6, AG है आपका स्टॉप कोडॉन। सो यहाँ पे आपका रुक गया, यानी कि इसने कितने बनाए, कितने बनाए, 1, 2, 3, 4, 5, 6। सो ऑप्शन 1 इज करेक्ट। बहुत इजी था ये भी, बहुत सिंपल सिंपल ट्रिक्स हैं जो कि समझना बहुत जरूरी होता है। अब आ गया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक होती है, ECOR1 रेस्ट्रिक्शन साइट्स ऑन अ 10 KB डीएनए फ्रेगमेंट आर शोन बिलो। सो ये है आपका एक 10 KB का डीएनए फ्रेगमेंट, ठीक है? यहाँ पे दिया गया है आपका रेस्ट्रिक्शन साइट्स। अब कहा गया है कि इसकी पार्शियल डाइजेशन हो रही है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया इस क्वेश्चन में। व्हाट आर द लेंथ और लेंथ इन KB ऑफ द पॉसिबल डीएनए ऑब्टेंड। देखिए जब भी आपकी पार्शियल डाइजेशन होती है तो टोटल डाइजेशन, मतलब अगर आपका टोटल डाइजेशन हो गया तो ये क्या होगा, ये जो भी प्रोडक्ट है ये 0 से 2 KB का एक होगा, फिर 2 to 4 KB मतलब अगेन 2 KB का एक होगा, 4 to 7 KB, फिर यहाँ से 10 KB। सो ऐसे आपका डीएनए टोटल डाइजेस्ट हो जाता है। पर जब हम पार्शियल डाइजेशन की बात करते हैं, सो पार्शियल डाइजेशन में क्या होती है कि ये जो पर्टिकुलर डीएनए फ्रेगमेंट है, सबसे पहले इसे मैं ऐसे बना देती हूँ ताकि आपको इजीली समझ में आए, 2 KB, फिर 4 KB, फिर 7 KB,
और फिर 10 KB, राइट हो गया। तो देखिए पार्शियल डैश में क्या होता है, सबसे पहले यहां से यहां तक कटेगा, फिर हो गया आपका यहां से लेके यहां तक, ये हो गया सेकंड स्टेज। मैं यहाँ नीचे ड्रॉ करती हूँ ताकि आपको इजीली समझ में आए, ये एक हो गया फ्रेगमेंट, फिर यहां से यहाँ एक फ्रेगमेंट हो गया, फिर यहां से यहां तक एक फ्रेगमेंट हो गया, ओके, और फिर यहां से यहां तक एक फ्रेगमेंट हो गया, ओके। अब इसके साथ साथ क्या हो सकता है, और भी कौन कौन सी फ्रेगमेंट्स बन सकती हैं आपकी, ये 2 से लेकर ये 4 तक का एक फ्रेगमेंट हो गया, ठीक है, ये 4 से लेके 7 तक, ये 7 से लेके 10 तक एक फ्रेगमेंट हो गया, या फिर ये 2 से लेके 10 तक हो सकता है, या तो ये 2 से लेके 7 तक हो सकता है। तो आप देख रहे हो वेरिड नंबर्स हो रहे हैं फ्रेगमेंट्स की। तो आप जब भी शुरू करते हो तो आप यहां से शुरू करो, ये हो गया फर्स्ट, पहले ये 4 लिख लो आप, सिंगल डाइजेशन हो गया। अब देखो डबल डाइजेशन, अगर आपकी डबल डाइजेशन होती है तो ये कहाँ कहाँ कट करेगा, फिर आपका ट्रिपल डाइजेशन, फिर 4, वैसे करके आप एक एक डाइजेशन के कट करते जाओ। अब क्वेश्चन एग्जाम्स में तो आप इतनी लंबी प्रोसेस तो कर नहीं सकते बैठ के, तो आप क्या करोगे, आपको एग्जाम में जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया जाता है आप बस डायरेक्टली एक सिंपल सा ट्रिक देखो कि यहाँ पे लिखा है पार्शियल डाइजेशन, इसका मतलब 2 और 3 तो नहीं होगा, ओके, एंड सेम 2, 3, 4, 7 ये भी नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि ये तो टोटल डाइजेशन हो गया, ये हो गया। फिर आता है आपका नेक्स्ट स्टेप जिसमें कि लिखा है लगभग सब, मतलब 10 भी आएगा आपका, मतलब जितने भी फ्रेगमेंट्स है सब आ जाएंगे, ओके, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 जितने भी है सब आ जाएंगे, क्योंकि टोटल डाइजेशन होगा इसका, एक एक पार्ट अलग अलग डाइजेशन होगा। बस आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि यहाँ 10 है तो 10 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, राइट। अगर आप वो एक चीज ध्यान में रखोगे तो ये क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगी, दैट इज दिस इज द आंसर। बस आपको दो इंपॉर्टेंट चीजें में ध्यान रखनी है, एक बहुत सारी फ्रेगमेंट्स क्रिएट होंगे और दूसरा उसकी जो हाईएस्ट है, मतलब यहाँ पे 10 KB है तो 10 KB से ज्यादा नहीं होगा। आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो इतने बड़े बड़े क्वेश्चंस को। इसके लिए ये सब, ये सिर्फ समझने के लिए है आपका, ये जो मैंने यहाँ पे बनाया है ये सब सिर्फ समझने के लिए है, ओके। तो ये थी आज की 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, फिर अगले वीडियो में मैं ऐसे ही और भी 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दूंगी और उसे मैं फिर समझाऊंगी। तो PYQs जो हैं वो आप प्लीज PYQ प्लेलिस्ट आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और बायोड्रॉन को सब्सक्राइब करके PYQ प्लेलिस्ट को आप डाउनलोड कर लीजिए और चेक कीजिए पूरे प्लेलिस्ट को, और भी डिटेल वीडियोज हैं देखिएगा।